पहुँचा है, ये हम स्टार्ट हो जाती है 750 से स्टार्ट हो जाती है, लास्ट 4000 तक जाती है। थैंक यू। फाइनली गाइस अभी हमने मेड लाइफ बाजार में अपनी जो शक्ति ने जहाँ से अपना चेकअप वगैरह करवा लिया भाई, मेडिसिन आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो हेलो जी, कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बड़े रहने चाहिए। तो आपका होस्ट और आपका दोस्त हाजिर है एक नए दिन एक नई वीडियो में, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, जो मैंने रेस्टोरेंट का ब्लॉग डाला था भाई, जिस ब्लॉग में मेरी उनके साथ बहस वगैरह हुई है, तो भाई वो ब्लॉग कल का डिलीट हो चुका है भाई। काफ़ी बंदे फोन करे भाई आपने ब्लॉग क्यों डिलीट किया, क्या सीन हुआ। तो भाई उन्होंने मेरे तो भाई मैंने अपने TL सर को कॉल करी, ठीक है। तो भाई उनका कहना था आप लोग पहुंचो, मैं पहुंच जाऊंगा। जब हम उधर गए, हालांकि मैंने भाई अपने जोमेटो राइडरों को भी बुलाया था भाई, जोमेटो राइडरों का थैंक यू भाई दिल से भाई, जो मेरे लिए टाइम निकाल के वहाँ पे पहुंचे सारे अपनी ID बंद करके। भाई TL सर तो हमारे आए नहीं, बाबे बात यही हुई, ठीक है भाई। उनका कहना था इनको ब्लॉग बना के नहीं डालना चाहिए था भाई, जो कि भाई DFAM मिल सकती है, DFAM मिल रही थी उनको, ठीक है ना। तो भाई उस वजह से भाई मेरे को ब्लॉग वगैरह डिलीट करना पड़ा और वहाँ पे हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, ठीक है भाई। मैं किसी को दिल से कोई हेट नहीं है, ठीक है ना भाई, वो अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, मैं अपनी जगह काम कर रहा हूँ भाई। उनकी अपनी रोजी रोटी है और मेरी अपनी रोजी रोटी है भाई, उनका रेस्टोरेंट चल रहा है और हमें काफ़ी ज़्यादा राइडरों के जो ऑर्डर वगैरह साइन होते हैं भाई, ठीक है। तो वो बात हमारी भाई पर ख़त्म हो गई, हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ठीक है। हालांकि भाई इस बात का बहुत बुरा लगा कि भाई हमारे TL सर जो है नहीं आए, जो कि हमारे सीनियर थे, मैंने उनको इन्फॉर्म भी किया था सर ऐसी ऐसी बात है, तो भाई वो नहीं आए, वो चलो उन पर डिपेंड करता है। हालांकि भाई कंपनी TL बनाती है इसलिए कि भाई राइडर को कोई भी मुश्किल या किसी भी इशू कोई भी इशू अगर राइडर फेस कर रहा है तो भाई TL उनका स्टैंड ले, मतलब उनके साथ खड़े हों। हालांकि हमारे TL नहीं आए, फिर भी भाई राइडर भाई जो मेरे साथ गए थे भाई, उन्होंने अच्छे से बात की भाई, ठीक है ना। तो इशू सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। सॉल्व होने के बाद भाई काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया आपका भाई, मतलब एक तरफ से मन ही नहीं कर रहा था यार कल काम, कल मैंने जो है बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है। कल के स्लॉट सारे अपने इनकम्प्लीट गए, हालांकि भाई नेक्स्ट डे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई जहाँ पे देख सकते हो हमने जो TRS न्यू ऑर्डर की थी, हालांकि कल ही आ गई थी, कल हमने इंस्टॉल नहीं की, कल ना ही हमने काम किया भाई, ठीक है ना। तो भाई जो पुरानी TRS है हिल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है भाई, ठीक है ना। हालांकि देख सकते हो भाई इतने से बॉक्स में आई है और रेट सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे भाई, काफ़ी ज़्यादा महंगी है। हालांकि ऑफलाइन मेरे को शॉप से नहीं मिल रही थी, तो भाई यहाँ पे देख सकते अपनी TRS आ चुकी है भाई, ब्रांड न्यू TRS है भाई अपनी आ चुकी है। हम इसको इंस्टॉल करते हैं भाई और नेक्स्ट लेवल यूनिक आवाज़ आएगी भाई, ठीक है ना। जो खड़खड़ खड़के मतलब ऐसे बीप करते थे ना बीच में, वो बिल्कुल ना बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी, ठीक है। तो सो प्लीज़ यार बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जल्दी से बाइक 10K करवाओ, ठीक है ना। तो देख सकते भाई मोटा खर्चा कर दिया भाई, इसके लिए मैं बता ही देता हूँ आपको भाई कितने पैसे खर्च किए हैं। ये भाई 950 की आई है, ठीक है, समझ सकते हो इतना सा GoPro का पार्ट है भाई। हालांकि 950 का आया, जो मेरा पुराना है भाई वो ख़राब हो चुकी है TRS, तो इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर मिलते हैं भाई आपसे आगे, फिर करते हैं आपसे आगे की जर्नी शेयर। एंड गाइस अपना मिस्टर एंड मिसेस किचन का ऑर्डर अपने बैग में आ चुका है भाई, अंकल आ गए 5 मिनट में ऑर्डर लेके, ज़्यादा वेट नहीं करवाया, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं, ये पहला ऑर्डर हमने आज का डिलीवर करना है भाई, बता देता हूँ आपको। लो रूपनगर जाना है, तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पर डिलीवर करते हैं, उसके बाद बताते हैं भाई नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ से साइन होता है हमें। डिलीवरी कर दिया, हालांकि जहाँ पे देखते भाई 356 रुपये लेने थे और कस्टमर बोलता भाई 6 रुपये खुल रहे नहीं है, ठीक है। तो भाई हमने बोला कोई बात नहीं, हालांकि पहले ऑर्डर में 6 रुपये का नुकसान हो गया हमारा। तो आगे बताते भाई फुल डे में कितने की अर्निंग होती है और कितने नुकसान हम जो डोनेशन करते हैं आज। आज का दूसरा ऑर्डर भाई हमें KFC से साइन हुआ, ठीक है, समझ सकते हो। रूपनगर से रिटर्न आके जहाँ पे ऑर्डर साइन हुआ है भाई, ड्रीमलैंड स्कूल के पास देना, हालांकि जहाँ पे 11 मिनट डाले हैं, तो बताते हैं भाई कितना टाइम लगता है। तो फाइनली गाइस 7 मिनट वेट करने के बाद हमें KFC से ऑर्डर मिल चुका है, तो भैया को भी ऑर्डर मिल चुका है, भैया भी जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमें पेप्सी भी मिली है साथ में, ठीक है। तो ड्रीमलैंड स्कूल के अपोजिट ऑर्डर डिलीवर में आते हैं, उसके बाद रहते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ से साइन होता है हमें। फाइनली गाइस जहाँ पे हमने अपना आज का दूसरा ऑर्डर डिलीवर कर दिया ड्रीमलैंड स्कूल के पास, अभी हम जहाँ से जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो बताते हैं आपको। तो फाइनली गाइस भाई आपका भाई पहुँच चुका है द बेल्जियन वाफल, हालांकि मेरे को ऑर्डर जो है साइन हुआ है द वाफलिंग स्टेशन जानीपुर में, जो हाईकोर्ट रोड में है, और भाई मैंने सिर्फ वाफलिंग देखा तो मैं यहाँ पे आ गया भाई, ठीक है। मैंने सोचा वाफल स्टेशन का ऑर्डर साइन हो चुका है, तो अभी जहाँ से 3-4 किलोमीटर मेरे को दोबारा वापस जाना पड़ेगा। मणिपुर हाईकोर्ट रोड में पहुँच गया भाई, काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने की वजह से हमने सीधा वाफल स्टेशन जो है भाई बेल्जियन वाफल स्टेशन पहुँच गया भाई। इनके अंदर से रेस्टोरेंट देख सकते हो नेक्स्ट लेवल भाई, AC वगैरह लगा है, क्या वाइब से जाना भाई। तो फाइनली गाइस वाफलिंग स्टेशन में भाई भैया मिले हमें, भैया ने अपना चैनल वगैरह सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच भैया। भैया अपना नाम बता दो। तनवीर अहमद, थैंक यू सो मच भैया। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो अपना ऑर्डर आते हैं, रेडी मिला, अभी हमने ऑर्डर पिक कर लिया, तो जल्दी से जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच भैया। तो भाई ये ऑर्डर हमारे हाथ में आ चुका है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट एनक्लेव है, कोई हाउस नंबर 16 सुनजुआ बठिंडी रोड,
मनाज साइबर कैफे कोई वहाँ पे, ठीक है। तो हालांकि हमने रेनकोट भी कैरी किया है, तो जल्दी से निकल रहे हैं यहाँ से, ऑर्डर डिलीवर करते हैं, फिर बताते हैं आगे भाई रिटर्न में ऑर्डर कहाँ से साइन होता है हमें। भाई ये ऑर्डर जो है भाई 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस जो कि मैंने ट्रैवल करना है, 9.5 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर जो डिस्टेंस से ट्रैवल करना है, और कंपनी 92 रुपीज़ दे रही है। हालांकि इसका स्क्रीनशॉट अपने पास पड़ा है, तो मैं अपने टीएल से शेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे भाई पेट्रोल क्या लीटर है, उनको भी पता। हालांकि वो भी जम्मू के हैं, ना कि यूक्रेन के हैं या दुबई के टीएल है भाई बलहा बीबी, ठीक है भाई, वो भी जम्मू का, उनसे पूछेंगे भाई किस हिसाब से फ्यूल का हमने पूरा करना है, और हमें बता दो भाई जोमेटो ने पेट्रोल पंप कहाँ पर खोला, हम वहीं से फ्यूल अप करवाते हैं। गाइज मैं आप सभी को कुछ बता देना चाहता हूँ, मतलब देख सकते हो मेरे आगे एक भाई जा रहे हैं भाई स्विगी वाले, ठीक है ना भाई, ये मैटर नहीं करता कि बंदा कहाँ से है, पर बंदे के भाई यार काम करने का टैलेंट होना, मतलब जुनून होना चाहिए बंदे में काम करना, ठीक है भाई। यूपी नंबर भाई, मतलब यूपी के रहने वाले हैं भाई, देख सकते हो भाई जम्मू में फिर भी स्विगी में काम कर रहे हैं, और जो जम्मू के बंदे हैं वो कुछ लोग शर्म समझते हैं, जैसे कि मैं बैग बांधता मेरे को कुछ बंदे बोलते हैं तेरे को शर्म नहीं आती भाई बैग बांधने, अरे भाई अगर हम लोग काम करने में शर्म नहीं करते, ठीक है ना, फिर बैग बांधने में किस बात की शर्म है। और भाई देखो तो भाई ने भी बैग बांधा है। गाइस जहाँ पे अपना ऑर्डर डिलीवर हो चुका, हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन कस्टमर के बाहर खड़ी थी, ठीक है, तो किसी ने ऑर्डर किया था, हालांकि भाई एग्जैक्ट लोकेशन है, 2 मिनट में भैया आगे ऑर्डर डिलीवर कर दिया। अभी हम जहाँ से जा रहे हैं कोई भी ऑर्डर साइन होता है या कुछ इंटरेस्टिंग होता है बताते हैं आपको ब्लॉग में। फाइनली गाइस जहाँ पे देखते भाई ट्रेन जा रही है अपने ऊपर से, ठीक है, हालांकि अभी हम जहाँ से वापस जा रहे हैं बठिंडे वाला ऑर्डर लेके भाई, ऑर्डर भाई 2 मिनट में आते हैं, हमें हंगरी पॉइंट से ऑर्डर मिल चुका, ठीक है, डाल लिया हमने अपने बैग में। भगत सिंह पार्क जा रहा है रमेशपुरा, जल्दी से डिलीवर करते, उसके बाद बताते नेक्स्ट ऑर्डर कौन से साइन होता है। फाइनली गाइस हमने हंगरी पॉइंट का ऑर्डर डिलीवर कर दिया, अपने पास पैसा ही पैसा हो गया, ठीक है, कितना पैसा हो गया अपने पास, तो ऑर्डर डिलीवर करते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर जब भी साइन होता है, जब कुछ इंटरेस्टिंग होता है वो बताएंगे आपको, नहीं तो पूरा रिकॉर्ड करें काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा, नहीं तो मिलते हैं भाई सीधा आपसे सीधा 7 बजे। भाई तालाब तिलो ऑर्डर लेके जाते हैं, हमें कुछ घोड़े मिल गए, हम घोड़े की सवारी करेंगे भाई, देख सकते हो किस तरह से भाई, रथ तो हमारा घर ही रह गया पर घोड़े हमारे आ गए। 2000 years late. तो फाइनली गाइस अभी शाम के बज चुके हैं भाई, 6 बज चुके हैं, तो अभी शिवा भाई आ चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं भाई, मेरा फ़ोन का अडाप्टर ख़राब हो चुका है आईफोन का, तो इनकी कोई दुकान वाला भाग हुआ है, तो बोलते भाई वहीं पे चलो, चीप एक्सेसरी भाई काफ़ी अच्छी मिलती है, स्मार्ट वॉचेस भी है भाई, बताओ आप भी सामान प्रीमियम क्वालिटी है, आप भी आना विजिट करना यहाँ पे, शॉप का नाम है यूअर तो जहाँ पे भाई मैं लेने आया हूँ, मेरे आईफोन का अडाप्टर वगैरह जो है वो खराब हो चुका है, तो जहाँ पे काफी अच्छी और बढ़िया क्वालिटी के एक्सेसरी फोन सी टाइप केबल, ठीक है, अडाप्टर वगैरह जो कुछ है वो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने एक अडाप्टर ले लिया यहाँ से सी टाइप के, जो भी अडाप्टर हैं वो दिखाते हैं आपको, सी टाइप की केबल वगैरह वो दिखाते हैं आपको, क्या किस प्राइस में और कितनी गारंटी वारंटी में देते हैं जी। आपके लिए लाया है अल्फा का ब्रांड, और इसमें अडाप्टर आपको आईफोन का मिल जाता है 20 वाट का, और इसका जो प्राइस है वो 700 तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं अगर बात करूँ अल्फा की ही केबल आपको मिल जाएगी USB 2 C, मतलब कि सी टाइप, तो ये आपको मिल जाएगी 150 तक मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ USB 2 आईफोन, तो ये आपको मिल जाएगी ज़्यादा नहीं 300। तो ये वाली जो गारंटी वाली है सी टाइप केबल में जी, ये आपको इनकी सबकी वारंटी वगैरह मिल जाएगी, बाकी आप DM। तो जहाँ पे देख सकते हो भाई मैंने जो मेरा आईफोन का अडाप्टर था वो ख़राब हो चुका है, तो ये हमारा बिल आ चुका है, हमने भी जहाँ से शॉप किया, अगर किसी को भी कुछ लेना है तो जहाँ पे विजिट कर सकते हैं भैया किसी को। ये हम स्टार्ट हो जाती है 750 से स्टार्ट हो जाती है, लास्ट 4000 तक जाती है। थैंक यू। तो फाइनली गाइस मैंने और शिवा भाई ने भाई अपना अडाप्टर वगैरह जहाँ से शॉप कर लिया, अगर आपको कुछ भी भाई बड़े सस्ते में एक्सेसरी लेनी है तो आप लोग जहाँ पे विजिट कर सकते हो, वाई फाई स्टोर है, ठीक है भाई, HDFC का बैंक है जहाँ पे करण होटल के पास, वहाँ पे गीता मंदिर के बैक साइड इनका स्टोर है। A few moments later. आज हम 7 बजे दोबारा लॉग इन करने आ चुके हैं भाई, मोबाइल का अडाप्टर वगैरह शॉप कर लिया है, मिस्टर एंड मिसेज किचन का हमें साइन पहला ऑर्डर साइन हो चुका भाई, मिस्टर एंड मिसेज किचन का भाई 18 प्लेन रोटी है, और भाई जानी है पटेल नगर जाना है, ग्राउंड फ्लोर पटेल नगर जाना ऑर्डर, तो
तो जहाँ पे भेड़ करते हैं भाई, जब ऑर्डर मिलता है फिर बताते हैं भाई कहाँ पे ड्रॉप है इसका, पटेल नगर कहाँ पे। फाइनली गाइस जहाँ पे अपना ऑर्डर आ चुका भाई, ऑर्डर अपने बैग में डाल दिया भैया ने, ठीक है। तो अभी हम निकल चुके हैं भाई जानीपुर में स्टॉप में देना ऑर्डर, तो जल्दी से ऑर्डर डिलीवर करते हैं। अपनी सेहत पर जो भाई काफ़ी ज़्यादा दर्द है मेरा, हेड पेन काफ़ी ज़्यादा हो रही है मेरे को, हो सकता है मैं जे ऑर्डर होल्ड मार जाए, इसके नेक्स्ट ऑर्डर जो भी साइन होगा उसको होल्ड मार के भाई मैं घर चला जाऊँगा, क्योंकि जुकाम मेरे को लग रहा है, बुखार वगैरह भी हो जाएगा मेरे को आज। भाई जहाँ हमने 7 से 9 में पहला ऑर्डर डिलीवर कर दिया मिस्टर एंड मिसिज किचन का, हालांकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है भाई, स्टार की कंप्लीट करेंगे हम 7 से 9, उसके बाद भाई हो सकता है आईडी बंद करके घर चले जाए, क्योंकि सर दर्द वगैरह ऐसा लग रहा है भाई, बुखार वगैरह हो सकता है, फेवर वगैरह, ठीक है ना। तो भाई बीमार होने से अच्छा भाई घर पे चले हैं, रेस्ट करते हैं जाके। हमें दूसरा ऑर्डर भाई फन बाइट से आ गया अपने बैग में, ठीक है। तो इसको डिलीवर करना है दुर्गा नगर, जल्दी से जल्दी इसको भी डिलीवर मारते हैं भाई, इसके बाद कोई ऑर्डर पड़ेगा उसको होल्ड मारते हैं। फाइनली गाइस जहाँ पे देख सकते हो भाई, हालांकि मैडम बोल रही थी जहाँ से राइट आना, सामने मेरे बोर्ड लगा आपको वाइट कलर का दिखाई दे रहा होगा भाई, इससे पहले राइट जो इसके पीछे वाली गली जहाँ पे, और हालांकि मैडम बोल रही थी इसके आगे राइट है, कॉल पे मेरे को बोल रही है जो बोर्ड से पहले राइट है वहाँ पे आओ, और जब भाई इधर खुद मैडम खुद आए तो मेरे को बोलते भाई आगे वाले राइट आना। मैम आप तो बोल रहे जहाँ मैंने, अभी मैडम बोलती मेरे पीछे कुत्ते लग गए मेरे को छोड़ने जाओ, मैं खुद जहाँ से बड़ी मुश्किल कुत्ते से बचाऊँ, तो अभी मैडम बन तला से घूम के अपने घर जा रही है, समझ सकते हो भाई किस तरह से फैन फॉलोइंग है लोगों की भाई। एक तो फाइनली गाइस आज हमें भाई सेकंड टाइम बीकानेर स्वीट से भाई जो जानीपुर में है इसका ऑर्डर साइन हुआ भाई, उदय वाला जा रहा है, हालांकि चलते हैं जल्दी से ऑर्डर डिलीवर करते, हो सकते हैं भाई जो ऑर्डर हम होल्ड मारे। हाँ तो फाइनली गाइस हमने जो बीकानेर स्वीट से ऑर्डर उठाया था, हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, कैश अपने पास आ गई है, तो अभी हम इस ऑर्डर को डिलीवर नहीं मारेंगे, टाइम दे सकते भाई 8:55 हो रहे हैं, तो अभी हम भाई घर जा रहे हैं ऑर्डर होल्ड करके, डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं और मेडिसिन वगैरह लेते हैं भाई, बताते हैं आपको फेस टाइम शूट करते हैं। फाइनली गाइस अभी हमने मेडल लाइफ बाजार में अपनी जो शक्ति ने हमने जहाँ से अपना चेकअप वगैरह करवा लिया भाई, मेडिसिन आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो भाई फेस टाइम अभी हमने शूट नहीं किया, फेस टाइम वगैरह सीधा घर जाके शूट करेंगे, तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है आपके भाई की, ठीक है ना। आज का फेस टाइम अपना भाई घर पे शूट हो रहा है, ठीक है। तो आपके भाई की तबीयत जो है बिगड़ चुकी है भाई, टाइम से 9:35 हो रहे हैं, हालांकि भाई काफ़ी ज़्यादा सर दर्द, हेड पेन हो रही भाई, दिन को मैंने भी काम किया भाई 1 बजे से लेकर कंटिन्यू काम किया शाम के 5 बजे तक, उसके बाद मैं घर पे आ गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेड पेन हो रही थी भाई, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है भाई बुखार वगैरह भी हो जाएगा, तो भाई मैंने मेडिसिन वगैरह ले आया हूँ मैं, ठीक है। इससे तो भाई कितनी मेडिसिन जो भाई मैं ले आया हूँ, हालांकि मैंने बीपी वगैरह चेक करवाया भाई, थोड़ा कम ना, हालांकि ठीक है भाई। तो भाई आज का ब्लॉग हमारा टाइम जय भी खत्म होता है, राम राम, मिलते आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।